अगर आपको एनटीपीसी निकालना है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना कि आप एनटीपीसी में कर क्या रहे हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, आप दूसरे लोगों को मत देखिए कि एनटीपीसी के लिए लोग क्या कर रहे हैं। लोग तो बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि आप ये करिए, वो करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन आपकी एबिलिटी क्या है और आप कहाँ तक कर सकते हैं। और एग्जाम एग्जामिनर कोई एक चीज नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है, वो किसी स्पेशल आदमी या किसी स्पेशल पुस्तक को मार्केट में नहीं लाने की कोशिश करते कि हम इस स्पेशल बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं, या फिर हम इस स्पेशल लड़के के लिए या इस स्पेशल क्षेत्र के राज्यों के लोगों के लिए पेपर को हार्ड बनाएंगे। वो इंडिविजुअल नहीं है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक समान है। और इस तैयारी में जो एक सीरीज वाई चलता है, यानी कि सोचने के लिए जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सोच एक ऐसी चीज़ है ना, जब सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत टॉप का करेंगे, हमें तो 100 में से 100 नंबर का चाहिए। जिस तरीके से आप यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हो, वीडियोस ले रहे हो, आपको इस तरीके से मैनुपुलेट कर दिया जाता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100 में से 100 नंबर लाएंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जब बच्चा तैयारी करने की शुरुआत करता है, किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ लेता है, वहाँ से साइंस, रीजनिंग, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स के नोट्स बनाने लगता है, तो वो हर एक सब्जेक्ट्स की अलग अलग नोटबुक लाता है, 1 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो को देख देख के नोट्स बनाता है। तकरीबन अगर लाइव क्लास चल रही है तो हो सकता है, अगर बंदा थोड़ा एक्सपर्ट है लिखने में तो वो 1.5 घंटे की क्लासेस लिख लेगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उस क्लास को देखने के लिए वो हमेशा ये सोचते हैं कि अभी पढ़ा लेने, तो जब वो क्लास ऑफलाइन हो जाएगी तब हम इसको डबल स्पीड में 1.5 में करके और अच्छे से नोट कर लेंगे। अगर 1.5 घंटे की क्लास को अगर डबल स्पीड में भी करके देखोगे ना, तब भी वो 1.5 घंटे ही ले लेती है, क्योंकि उसको रोक रोक के लिखना। और ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से नोट्स बना बना के आप अपने अलमारी पे भंडार लगा लेते हो, और अलमारी पे भंडार लगाने के बाद आपको ये लगता है ना कि मैं दुनिया में सबसे तेज हूँ, मैं दुनिया में बहुत आगे हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन एक बात समझो, जब वो आप भंडारा बना लेते हो, किताबों का बर्डन बना लेते हो, वो आप दोबारा रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है, रिवाइज करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर हो सकता है कोई नया टीचर मिल जाए, या फिर उसी टीचर का आप सोचोगे ना कि यार ये तो मैंने लिख रखा है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस किताब को, इस कॉपी को, नोटबुक को खोलकर और वीडियो चलाकर मैं वीडियो डबल स्पीड में करके नोटबुक को रिवाइज कर लूंगा। तो मेरे भाई इस तरीके से नहीं होता, इतनी सारी चीजें बनाने से अच्छा है कि आप किसी स्पेसिफिक बुक के ऊपर काम करो। नोट्स बना रहे हो, कोई पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग नोट्स नहीं बनाते, वो एक कॉपी बनाने की कोशिश कर होड़ में लग जाते हैं। नोट्स बनाने का मतलब है कि पूरे चैप्टर में से 10 बुलेट पॉइंट निकाल के रखने हैं कि उस चैप्टर का पूरा होलोग्राम उस 10 बुलेट पॉइंट में हो और वो आपके दिमाग में हो, जो आप परीक्षा से पहले देख के चले जाओ। लेकिन नोट्स किस तरीके से बनवाए जाते हैं यूट्यूब पे क्लास देखे कि आप सब कुछ नोट करते रहो, और इस तरीके से चीजें बताई जाएंगी ना कि हार्ड से भी हार्ड, कि इस बार ये पूछा था और ये तक पूछ सकता है और ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, मतलब कि कहानी पूरी नीचे से लेके ऊपर तक खींच देते हैं, जो कि जरूरी नहीं है यार। दिमाग आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, इतनी सारी चीजें तो पढ़नी है। अब आप एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को इतना लंबा अगर पढ़ोगे, आपको पीएचडी तो करना नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जिनका सिलेक्शन होगा और जो लोग सेलेक्टिव हैं वो करते क्या थे। मैक्सिमम आप इंटरव्यू देखोगे, उमंग स्टडी पे आप इंटरव्यू देखते हो, आप वहां पे वो वाली वीडियो ज्यादा देखते होंगे जो किताबों के बारे में बताया, या फिर मैंने इस तरीके से मैथ में इतने नंबर लाए, या एनटीपीसी मेरे लिए गाजर मूली के बराबर है। वहां पे आपने एक चीज सोची होगी, एक चीज देखी होगी, वो चीज सही है गलत है। वो वीडियो जब कोई इंटरव्यू लेता है तो मैक्सिमम जो बच्चा है जो इंटरव्यू दे रहा है वो गलत नहीं बोल पाता, वो सही ही बोलता है, क्योंकि उतना उस टाइम उसके दिमाग में नहीं होता कि मैं झूठ बोलूँ, ठीक है। वहां पे आपने मैक्सिमम इंटरव्यू में ये सुना होगा कि मैंने RS अग्रवाल से पढ़ा, या फिर मैंने सागिर अहमद से पढ़ा, या मैंने किरण पब्लिकेशन की किताब को पूरा लगाया, मतलब पूरा लगाया, मैथ में बता रहा हूँ। और जीके जीएस के लिए मैक्सिमम लोगों ने लूसेंट का ही नाम लिया कि हम जीके जीएस लूसेंट से पढ़ते थे, लूसेंट साइंस पढ़ते थे, और मतलब किसी एक किताब के ऊपर उन्होंने काम किया है, ना कि वो यूट्यूब के पूरे पूरे वीडियोस के ऊपर भागे। जब भी कोई यूट्यूब पे टीचर पढ़ाता है वो क्या कहता है, किसी किताब की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियोस देख लो, हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वीडियो देख के जो सिलेक्शन लेते हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले 6 महीना पहले, 1 साल पहले किताबों पर काम किया है, लूसेंट 2-3-4 बार पढ़ी होगी, तभी वो वीडियो को देख के सिलेक्टिव हैं। और उनके पीछे भेड़ चाल वाली जो समस्या है वो बच्चों को यह है कि बच्चों को बता दिया जाता है कि आप किताबें मत लो, किताबें आपके काम की नहीं, आप केवल वीडियो देखो, और वीडियो देख देख के वो एक मेमोरी बना लेते हैं। वो ये सोचते हैं ना कि वो अपनी मेमोरी को नष्ट कर लेते हैं, भ्रष्ट कर लेते हैं, और ये सोचते हैं कि वो जो उनके हाथ में स्मार्टफोन है वो मेमोरी है उनकी। यार ये सोचो कि स्मार्टफोन को एग्जाम के सेंटर पे ले जा सकते हो,
नहीं ले जा सकते ना पेपर देने के लिए, पेपर देने के लिए तो आप ही जाओगे, और आपने जो किताबें पढ़ी हैं, जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स अपने खुद के बनाए हैं, वही एग्जाम के सेंटर में आपको पता चलते हैं, वही आप बना पाते हो। आप नॉर्मल गुणा भाग भी जो ट्रिक्स सिखाई जाती है ना वो भूल जाते हो, आप अपना वही पुराना अप्रोच जो आपने 6ठी 7वीं 8वीं में सीखा है आप उससे करते हो, क्योंकि वहां डर होता है कि कहीं गलत ना हो। मेरा जो पुराना अप्रोच है वो 100% एक्यूरेट और सही होगा, इसलिए आप पुरानी चीजें करते हो, आप अपने बनाए हुए ट्रिक्स पे ही विश्वास रखते हो जब आप पेपर देते हो, ना कि किसी के बताए हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसकी आदत अभी से डालो, अभी से किताबों को पढ़ना सीखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला है। जो यूट्यूब वीडियो क्लासेस पढ़ रहे हैं और जिनका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत कर रहे हैं वाकई में, उन्होंने किताबों पे काम किया। अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब वीडियोस पे आ रहे हैं तो ये गलत है, आपको किताबों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो पे मैं साइंस के बारे में बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी में क्या स्पीडी बुक से साइंस के प्रश्न आ सकते हैं। देखो पुरानी वाली स्पीडी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अभी की जो स्पीडी है इसके अंदर आपको पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं वो भी ऐड हुए हैं, तो संभावना पूरी है कि इसमें से आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले। और इस किताब को आप एक बार दो बार तीन बार रीड दीजिए, देन उसके बाद अगर आपको साइंस आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में एकदम परफेक्ट चाहिए तो आप अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया जरूर पढ़ें। ठीक है, इस तरीके की किताबें हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, जैसे स्पीडी वाले बोलते हैं ना कि इंग्लिश में नहीं है, तो भाई इंग्लिश में वाकई में नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, आप इसको एक दो बार रीड कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश वर्जन खरीद के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लेंगे तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे एनटीपीसी में, वहां के सारे प्रश्न आपको उस किताब से देखने को मिल जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, ना कि कुछ आप हवा देखिए कि ये ऐसा है वो ऐसा है इतना हार्ड आ सकता है इतना हार्ड आ सकता है, कुछ ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें किताब में ही मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की किताबों के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना एनटीपीसी, तो हालांकि काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन आरआरसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन जेई वाले पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर जो क्वेश्चन बताए जाते हैं ना मार्केट में कि ये इतना हार्ड क्वेश्चन था, ये जीएस देखो कहाँ से पूछ लिया, अगर आप उन जीएस को लूसेंट की किताब से खोजने की कोशिश करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन लूसेंट में मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको साइंस की जो मैंने किताब बताई अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया से मिलेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो जीके हिस्ट्री पॉलिटी हैं उसके उसके कुछ क्वेश्चन तो आपको स्पीडी से भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन लोगों ने कह रखा है कि स्पीडी से नहीं आते, वो जो पुरानी स्पीडी थी उसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अभी की स्पीडी में आपको नए रिसेंटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और स्पीडी पढ़ने के फायदा यह है ना कि आपको पढ़ने की आदत लगेगी, आप वो यूट्यूब वीडियो से 10 20 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू चलाते हैं ना लोग, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, ये वो लेट के देखने वाली जो प्रथा है वो टूटेगी जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस एक पुस्तक को पढ़ के ही आप सिलेक्शन ले लोगे, नहीं, किसी भी चीज को करने का एक पैटर्न होता है, शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत है। और यूट्यूब वीडियो देख देख के आपका जो दिमाग है ना, माइंड की कैपेसिटी, मेमोरी पावर, उसको तो बिल्कुल ही घटा दिया गया है। और ये चीज भाई, घर का बड़ा भाई, घर की बहन ही आपको बता सकती है, हालांकि बाहर के लोग ये सब चीज़ नहीं बताते। कौन चाहता है कि किसी और का सिलेक्शन हो, सब चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो। और जब लोग भेड़ बकरी की चाल में चल रहे हैं, लोगों का फायदा हो रहा है, जो चैनल वाले हैं उनका फायदा हो रहा है, वो क्यों सच्चाई बताएंगे कि आप करो। कोई भी यूट्यूब टीचर नहीं बोलता कि आप ये किताब पढ़ो ये किताब पढ़ो, कुछ टीचर बताते हैं कि आपको किताबें भी पढ़नी अवश्य हैं। ठीक है, नोट्स भी बनाइए, किताबें भी पढ़िए, लेकिन डायरेक्टली जब बच्चा 12वीं पास करके या ग्रेजुएशन करके जब बाहर निकलता है ना, तो उसको डायरेक्टली यूट्यूब क्लासेस दिखा के, वीडियोस दिखा के इस तरीके का बता दिया जाता है कि आपके हाथ में इतना सारा मटेरियल है कि आप लेटे लेटे उसको याद कर सकते हो, पर ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको बैठने की आदत नहीं लगेगी, किताब पढ़ने की आदत नहीं लगेगी, तब तक आप यूट्यूब वीडियोज या वीडियोज क्लासेस देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मुझे याद हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जब आप पेपर में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। आज जितनी भी आपने क्लासेस ली है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को एक तरफ रखो और पेपर उठा के बैठो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लाओ, जीएस का प्रैक्टिस सेट लाओ, या मिक्स प्रैक्टिस सेट लाओ, जिस भी नौकरी की आप तैयारी करो, या एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म वाला प्रैक्टिस सेट ले आओ। ठीक है, उसको लगा के देखो 100 क्वेश्चन, आपको अपनी हकीकत पता चल जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ यार अभी तक। ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, आप वीडियोस देख देख के अपने आप को बूस्ट कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे आ रहा है, लेकिन जब आप रियल में बैठोगे, रियल में पेपर अपने आप से दे के देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार पेपर में तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा, क्योंकि आपने किताब ही नहीं पढ़ी है, किताब पढ़ने की एबिलिटी नहीं डाली है, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया की पुस्तक खरीदिए, अवश्य खरीदिए, और स्पीडी भी खरीदिए। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको बैठने की एबिलिटी मिलेगी कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आज ना 3 4 घंटे अगर पढ़
बैठने को बोल दिया जाए तो नहीं पढ़ पाते बच्चे, वो क्या करते हैं, अरे यार बैठेगा कौन, बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, लेटे लेटे वीडियो देख लेते हैं ना, वीडियो देखेंगे तो टीचर पढ़ा भी रहा है, क्लास भी हो जा रही है, एक तरीके से उसको क्लास बोलते हैं, वो क्लास नहीं है यार, वो हवा है। क्लास तो उसको कहते हैं जो बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या पेड कोर्स में, उसको कहते हैं, जो मार्केट अभी चल रही है ना भेड़ बकरी वाली, उसको क्लास नहीं कहते कि आपको डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे तक फंसा के रखना और उसमें पढ़ाना क्या, वही 20 मिनट का कंटेंट, 10 मिनट का कंटेंट और हवा बनाना मैक्सिमम, मतलब आपको कहाँ ले जाते हैं, पढ़ाना क्या है और पढ़ा क्या रहे हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो किताब कभी भी आपसे ना गलत चीज़ बताती है ना आपसे बातें करती है, वो केवल कंटेंट ही कंटेंट देती है। जब किताब पढ़ोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार करने से कुछ नहीं होता, बार बार पढ़ो इस एक किताब को, 2 बार 3 बार रीड करो, फिर आपको पता चलेगा हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। फिर उसके बाद अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ो ये वाली, फिर आपको पता चलेगा हाँ साइंस ये है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ, स्टेप होता है। ठीक है, तो एनटीपीसी परीक्षा को निकालने के, जो भी मैंने ये मिला हुआ सारा चीज़ बता दिया, अपने हिसाब से इसमें से चीज़ें निकालो और पढ़ना शुरू कर दो। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हाँ मोटिवेशन वीडियो को सपोर्ट करने के लिए जय हिंद, मतलब सॉरी मोटिवेशन वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और अभी के लिए इतना ही, जय हिंद। किताबों का लिंक दे रखा है, खरीद सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलती है तो ऑफलाइन मार्केट में खरीद सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।